मसूरी छावनी परिषद के तत्वाधान में ग्रीन लीफ के सहयोग से चार दुकान में आयोजित लंढौर मेले का शुभारंभ किया गया। मेले में पर्यटक और स्थानीय निवासियों की भीड़ जुटी रही, जिसमें देसी विदेशी पर्यटकों ने जमकर पहाड़ी खाने का लुत्फ उठाया। मशहूर लेखक गणेश शैली ने कहा है कि इस तरह के मेले हमारी संस्कृति के साथ साथ पहाड़ी खाने और पहाड़ी वस्त्रों को बढ़ावा देते हैं। निश्चित ही छावनी परिषद द्वारा आयोजित लंढौर मेले में देशी पर्यटक उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत से रूबरू हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस तरह के आयोजन निरंतर होते रहने चाहिए। साल बाद कर रहे हैं ये लंढौर मेला, दो साल तो पैंडमिक की वजह से नहीं कर पाए, और अब की बात बड़े ध्यान से सारे कोविड प्रोटोकॉल्स को मानते हुए मास्क मैंने इंटरव्यू के लिए उतारा है और मास्क लगाए हुए सब ध्यान से अपना दूर दूर से लोग आए हैं। और लंढौर मेला एक बहुत ही अच्छा प्रयास है कंटोनमेंट अथॉरिटीज़ और लोकल लोगों का, ताकि हमारा कल्चर शोकेस हो सके। एक उसमें रॉक के शेप में शिलाजीत और ये अरसे बना रखे हैं, रोड बना रखे हैं, जो सारे पहाड़ी चीज़ें हैं जो स्पेशल टू द माउंटेंस हैं जो, और वो सब अवेलेबल है यहाँ इस समय। सातवां मैं कह रहा था जैसे कि सातवां एडिशन है ये, और सातवें वर्ष में इसका अर्धकुंभ सा हो गया है ये लंढौर मेला का। मेले में देसी विदेशी पर्यटकों ने पहाड़ी खाने का जमकर लुत्फ लिया। पहाड़ी खाना परोस रहे पंकज अग्रवाल ने बताया है कि उन्होंने पिंडालू के कबाब, स्टिंग कबाब, पंतुगे, कुलथ दाल कबाब, आलू जखिया पराठा, कुल्थी पराठा, छोले रोटी, गुच्ची, मशरूम बिरयानी, भांग की चटनी सहित भंजीर, मड़िया आदि से बनी चॉकलेट और कोदे के आटे की कॉफ़ी, झंगोरे की खीर आदि पर्यटकों को खिलाई। अगर पहाड़ी खाने को हम लोग तब ले लेते, अगर हम अपने लोटे को, कसैंडी को, भड्डू को संभाल लेते, मिर्जई को संभाल लेते, तो शायद आज हम जो वेस्टर्नाइजेशन की बात करते हैं वो उतनी प्रॉम्प्टली नहीं होती, उतनी चमकदार तरीके से ना होती। और जगह का खाना होता तो पहाड़ी खाना भी होता, तो उस जगह को मेरा भरने का प्रयास रहता है। बस आप सब लोगों के आशीर्वाद से घोषणाएँ करती है सुनवा, सरकार कुछ नहीं करती, सरकार दो सूरतों में काम करती है। आज 21 साल का जवान उत्तराखंड है, अगर सरकार चाहती तो क्या ये उत्तराखंड का खाना ब्रांड ना बन गया होता, जबकि हम लोग कहते हैं कि हम पहाड़ी लोग ही दुनिया भर के किचन में, लास वेगास से शिकागो से दिल्ली से मुंबई तक सब पहाड़ी लोग ही हैं जो किचन को चला रहे हैं। मसूरी के मशहूर फोटोग्राफर शिव अरोड़ा के द्वारा कोरोना काल में मसूरी लॉकडाउन को लेकर फोटो प्रदर्शनी लगाई गई, जो लंढौर मेले का आकर्षण का केंद्र रही। शिव अरोड़ा ने बताया है कि लॉकडाउन के दौरान मसूरी का पर्यटनों से भरा माल रोड और अन्य पर्यटन स्थल एकदम वीरान हो गए थे। इसके साथ ही उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आगे सुनाते हैं। आने वाले समय में जिस तरह से ये हमने काम किया है लॉकडाउन में, फोटोग्राफ्स मैंने दर्शाए हैं पूरे मसूरी के, कैसे बंद था, कैसे हम लोगों ने डॉग्स को फूड खिलाया करा, तो उसकी एग्जीबिशन मैंने यहाँ पे लगाई है लंढौर मेला में। और मैं समझता हूँ आगे आने वाले समय के लिए भी सतर्क करना होना चाहिए हमें कि ऐसा कोई वेरिएंट ना आए मसूरी में, कोई ऐसा कोरोना का कोई ना आए और ऐसा बंद देखने को हमें कभी जीवन में ना मिले। रहना बहुत ज़रूरी है, अभी से मास्क लगाना शुरू करें, सब करें। जो स्थिति आगे आने वाली है बहुत खतरनाक है, कह नहीं सकते हैं कि हम नहीं चाहते कि मसूरी में दोबारा ऐसा लॉकडाउन हमें देखने को मिले और मैं इस प्रकार की फोटो खींचूँ। अगर आप भी इस मेले के साथ पहाड़ी संस्कृति और पहाड़ी खाने का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो जल्दी पहुंचिए इस मेले में। इंडिया पोस्ट न्यूज़ के लिए मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट।